दोस्तों पाइथन दुनिया के सबसे बड़े सांपों में से एक है और ये आमतौर पर एशिया, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। आपको बता दें कि पाइथन सांपों की एक ऐसी प्रजाति है जो कि जहरीले नहीं होते और यही वजह है कि लोग इन्हें अपने घरों में पालना पसंद करते हैं। इसी वजह से एक बार फ्लोरिडा में रहने वाले एक कपल ने इलीगल तरीके से एक पाइथन को पालतू बनाकर रखा था, लेकिन उन्हें इस गलती की एक बड़ी कीमत भी चुकानी पड़ी। दरअसल उनकी एक बेटी थी जिसका नाम सिनेना था और इस पाइथन की नजर उनकी बेटी पर थी, क्योंकि ये कपल उस पाइथन को बहुत ही कम मात्रा में खाना खिलाते थे और कई बार तो ये लोग उस पाइथन को खाना देना भी भूल जाते थे। 8.5 फीट का ये पाइथन दिन में करीब 10 बार अपने पिंजरे से निकलकर उनकी बेटी के पास पहुंच जाता था और एक बार तो उसने उस बच्ची को अपनी बॉडी से लपेटने की कोशिश भी की थी, लेकिन उस कपल ने इस बात को ज्यादा सीरियस नहीं लिया। और इसके कुछ दिनों बाद वो पाइथन फिर से पिंजरे से निकला और उस बच्ची को निगल गया, जिसमें उस बच्ची की मौत हो गई। इसके बाद जब ये मामला पुलिस तक पहुंचा तो उस कपल को 35 साल की सजा हुई। अब आप ही लोग कमेंट करके बताओ इसमें गलती किसकी थी।